मैं सरवण सिंह पंधीर अभी मदुरई से बोल रहा हूँ, तमिलनाडु से। हमारा जो मोर्चा दिल्ली आंदोलन 2 है, उसके चलते हुए अभी 58 दिन हो गए हैं। और जो कल वार्ता हुई हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट से, जो हमारे किसान हरियाणा के 3 अभी जेल के अंदर है, उनको रिहा करने के लिए दोनों सरकारों ने समय मांगा है, और हम 16 तक का समय दोनों फोरमों ने वार्ता के बाद दिया है। नहीं तो 17 को शंभू के ऊपर रेल रोको आंदोलन पक्का शुरू करेंगे। इससे आगे का समय नहीं मिलेगा, सरकार ये ध्यान में रखे और आंदोलन तेज करेंगे। इसी के साथ साथ जो मध्य प्रदेश में कलश यात्रा चल रही है, वो झाबुआ में आज भी दूसरे दिन ये कलश यात्रा चलेगी। इसी के साथ साथ आज हम मदुरई में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को आह्वान है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और इसके बाद शाम का हमारा कार्यक्रम इंडिगल में होगा, तमिलनाडु में। और दूसरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं वातावरण में, जो अभी नासा की रिपोर्ट आई है, यूरोप का ये मार्च का महीना सबसे गर्म महीना रहा है। हमारा ये मानना है कि जो कॉरपोरेट मॉडल्स है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी ने पूरी दुनिया का वातावरण में बिगाड़ लाया है। अब यूरोप में किसानों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है, उनको मवेशी पशुओं को निशाना बना के उनको दोषी माना जा रहा है। लेकिन ये अमेरिका सबसे ज़्यादा दोषी है, सबसे ज़्यादा अमेरिका ग्रीन हाउसेस गैसें बना रहा है, चाइना भी इसका दोषी है। तो ये कॉरपोरेट मॉडल जो है, ये दुनिया के वातावरण में बिगाड़ कर रहा है। भारत में भी समस्याएं आ रही हैं, इसके ऊपर सुधार करना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत का नारा लगा रहे हैं, वो असल में है नहीं। देखिए, जहां हम सभी देश के किसान को आह्वान करेंगे, अब जहां भी भाजपा गठजोड़ आए, जिन फसलों के दाम निश्चित नहीं है, जो फसलें मंडी में बिकती नहीं है, वो लेके जाया करो इनकी रैली में, उनको दिखाया करो, इसके लिए भाई साहब मंडी दे दीजिए, दाम निश्चित करिए और MSP गारंटी कानून बनाइए। जब तक हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे, तब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। धन्यवाद।